दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आज एक सस्पेंस थ्रिलर और मिस्टीरियस मूवी रिलीज हुई है। इसका नाम है मिसिंग। तो चलिए जानते हैं कि ये मूवी आपका टाइम डिजर्व करती है या नहीं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। तो ये कहानी एक टीनेज लड़की है जिसका नाम है जून बर्ग, जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पापा जून के बचपन में ही गुजर जाते हैं। आज जून 18 साल की होने के बाद भी अपने पिता को बहुत याद करती है। अब उसकी मॉम की लाइफ में एक इंसान आता है जिससे जून की मॉम शादी करना चाहती है। तो जून की मॉम ग्रेस और केविन कहीं दूर घूमने के लिए एक ट्रिप पर जाते हैं। तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जून की माँ और उसका दोस्त रिटर्न हुए ही नहीं। तो अब जून क्या करेगी, अब वो बिल्कुल अकेली है। तो क्या जून अपनी माँ को ढूंढ पाएगी, उसकी माँ के साथ क्या हुआ, उसको किडनैप किया, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। देखो भाई, वैसे तो ये फिल्म अच्छी है, कहानी भी अच्छी है, और इस फिल्म की सबसे ज्यादा खास बात है कि ये फिल्म सीसीटीवी कैमरा वाले एंगल से ही शूट हुई है, जिससे कि आपको कुछ ज्यादा ही एफर्ट डालने पड़ेंगे इस फिल्म को समझने के लिए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का यूज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इस फिल्म ने हमें बताया है कि इंसान अगर चाहे तो सोशल मीडिया और गूगल की हेल्प से क्या कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो अपने ही देश से दूसरे देश में मिनटों में एक बंदे को हायर कर लेती है, जिससे कि वो बंदा होटल में जाकर कुछ पता लगा सके उसकी माँ के बारे में। इस फिल्म का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म की स्टोरी, क्योंकि स्टोरी आपको काफी एंगेजिंग रखती है। बार बार आने वाले ट्विस्ट और क्वेश्चन हमारे मुंह पर फेंके जाते हैं, जिससे हमारा कंफ्यूजन बना रहे और मूवी में हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे। वैसे मुझे इस मूवी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिले, फिर भी अगर मैं जबरदस्ती से कुछ ढूंढूं तो एक ही है, फिल्म की लेंथ, क्योंकि बीच बीच में फिल्म थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, लेकिन हाँ फिर भी काफी एंजॉइंग और एंगेजिंग है। ओवरऑल ये एक अच्छी मूवी है जिसमें अच्छी स्टोरी, डिफरेंट टाइप का कैमरा वर्क, कुछ नया और फ्रेश और एंगेजिंग कॉन्सेप्ट, मिस्ट्री है। तो ये फिल्म मेरी तरफ से मस्ट वॉच है सबके लिए। और हाँ, फिल्म में कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, ना ही कोई गाली वाली है, तो बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली मूवी है जिसको आप जरूर से जरूर देखें दोस्तों। तो ये था हमारा आज का रिव्यू फिल्म मिसिंग का। अगर आपने वीडियो देख ली हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ठोकते जाना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।